से सामने आ रही यूपी में 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आनंद कुमार पुलिस महानिदेशक अपराध बनाए गए हैं, वही नीरा रावत को अपर पुलिस महानिदेशक डायल 112 उनको बनाया है, अशोक कुमार सिंह को मुख्यालय वहां पर उनको दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यालय में अटैच कर दिया है अशोक कुमार सिंह को। ये बड़ी जानकारी आनंद कुमार पुलिस महानिदेशक उनके द्वारा अपराध बनाया गया है, और वही नीरा रावत को डायल 112 में दी गई जगह और अशोक कुमार को मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी में 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जो प्रपत्री पत्र है वो भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से यूपी में 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला देखा गया। आनंद कुमार पुलिस महानिदेशक अपराध बनाए गए हैं और नीरा रावत को अपर पुलिस महानिदेशक डायल 112 दिया गया है, अशोक कुमार सिंह को मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ से सामने आ रही है 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नीरा रावत को अपर पुलिस महानिदेशक डायल 112, अशोक कुमार सिंह को मुख्यालय किया गया अटैच। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नीरा रावत को अपर पुलिस महानिदेशक डायल 112, अशोक कुमार सिंह को मुख्यालय किया गया अटैच। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिकेत, जिस तरीके से यूपी में 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले देखे गए, उनको कौन कौन सी डिजिग्नेशन उन्हें मिली है, कहां कहां उन्हें शिफ्ट किया गया? देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कल देर रात 3 आईपीएस का तबादला वो किया गया है। हालांकि अगर बात की जाए नीरा रावत की, तो उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक 112 बनाया गया है, तो वहीं आनंद कुमार जो पुलिस महानिदेशक अपराध है अपराध बनाया गया है, वहीं अशोक कुमार सिंह की अगर बात की जाए तो उन्हें मुख्यालय में अटैच किया गया है। अब बता दें मनीषा की 112 की अगर बात की जाए तो 112 में लंबे समय से तमाम जो बच्चे जो काम करते हैं उनको अब एक एक करके निकाला जा रहा है, और कल देखने को मिला था कि एक बड़ा प्रदर्शन तमाम जो 112 में काम करने वाली जो लड़कियां थी वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए अगर बात की जाए, आनंद कुमार जो महानिदेशक 112 थे, वो स्थितियों को नहीं संभाल पाए, जिसके कारण उनका जो तबादला है वो किया गया है, और उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मनीषा नीरा रावत को दी गई है। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अपर पुलिस महानिदेशक 112 की, तो अब नीरा रावत के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि पूरे मामले को सुलझाएं। इसके साथ ही अगर बात की जाए आनंद कुमार की, तो उन्हें अब पुलिस महानिदेशक अपराध बनाया गया, वहीं अशोक कुमार सिंह को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। हमेशा जी अनिकेत तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।